नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में है जनवरी माह के प्रमुख करंट अफेयर्स पार्ट दूसरा। दोस्तों, पार्ट पहला मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, 15 जनवरी 2018 को किस राज्य सरकार ने बुनियादी सरकारी सेवाओं को घर जाकर डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी करने की महत्वाकांक्षी स्कीम को मंजूरी प्रदान की है। इस राज्य का नाम है दिल्ली राज्य या दिल्ली सरकार। इसके बाद अगला है, 16 जनवरी 2018 को T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं दोस्तों ऋषभ पंत। उन्होंने केवल 32 गेंदों पर शतक लगाई थी, ये दोस्तों IPL में लगाई थी इन्होंने। इसके बाद नेक्स्ट है, 16 जनवरी 2018 को किस देश में महिलाओं को शराब खरीदने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव पर राष्ट्रपति ने रोक लगा दी है? महिलाओं को शराब खरीदने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव पर राष्ट्रपति ने रोक लगा दी है। उस देश का नाम है श्रीलंका देश। इसके बाद नेक्स्ट, 16 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने किसको दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर दिया है? सब्सिडी को समाप्त कर दिया दोस्तों, यह सब्सिडी हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त कर दी गई है। जो हज को जाते हैं उनको सब्सिडी जो दी जाती थी वह समाप्त कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट है, 17 जनवरी 2018 को किस राज्य सरकार द्वारा लोगों को पेड़ों के साथ मानवीय रिश्ता बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है? इसका राज्य वह राज्य सिक्किम राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। इसके बाद नेक्स्ट, 17 जनवरी 2018 को जारी सूचना के अनुसार वायु प्रदूषण कम करने के लिए विश्व का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर किस देश ने बनाया है? एयर प्यूरीफायर किस देश ने बनाया है? वह देश है दोस्तों चीन देश। इसके बाद नेक्स्ट है, 17 जनवरी 2018 को अमेरिका के न्यू जर्सी प्रांत में किसको अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है दोस्तों? यह वरिष्ठ सिख अमेरिकी गुरुवीर सिंह ग्रेवाल को नियुक्त किया गया। इसके बाद नेक्स्ट, 17 जनवरी 2018 को किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में अनाथ बच्चों को 1% आरक्षण देने की घोषणा की गई? 1% आरक्षण देने की घोषणा की गई इस कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में की गई। इसके बाद नेक्स्ट है, 17 जनवरी 2018 को ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया दोस्तों भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली को। इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है, 17 जनवरी 2018 को किस देश ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अकेलेपन दूर करने के लिए एक मंत्रालय का गठन किया है? क्या अकेलापन दूर करने के लिए एक मंत्रालय का गठन किया है? उस देश का नाम है इंग्लैंड ने ऐसा कार्य किया है, इंग्लैंड ने। इसके बाद नेक्स्ट है, 17 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहाँ पर आई क्रिएट सेंटर का उद्घाटन किया? आई क्रिएट सेंटर का उद्घाटन किया है दोस्तों, यह गुजरात राज्य के धोलेरा गांव में किया है। गुजरात के धोलेरा गांव में इसका उद्घाटन किया है आई क्रिएट का। इसके बाद अगला है, 17 जनवरी 2018 को सुखोई 30 लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन बनी है? दोस्तों महिला निर्मला सीतारमैया बनी है। इन्होंने यह उड़ान भरी थी लगभग 9000 के समथिंग फिट मीटर की ऊंचाई तक, यानी कि हिमालय की लगभग इन्होंने उड़ाई ऊंचाई पर अंतरिक्ष में गई थी ये घूमने। इसके बाद नेक्स्ट, 18 जनवरी 2018 को भारत ने कितने मिलियन अमेरिकन डॉलर की सौर विकास निधि बनाने की घोषणा की है? दोस्तों इसका आंसर है 350 मिलियन अमेरिकन डॉलर की घोषणा की है। 350 मिलियन अमेरिकन डॉलर। इसके
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला है 18 जनवरी 2018 को जमीन से जमीन पर मार करने वाली लंबी दूरी के किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो उस मिसाइल का नाम है अग्नि 5। इसके बाद अगला है 18 जनवरी 2018 को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए कितने बच्चों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए कितने बच्चों का चयन किया गया है। दोस्तों इसमें 7 लड़कियों सहित 18 बच्चों का चयन किया गया है, जिसमें से 7 लड़कियां हैं, बाकी की 11 बच्चे हैं, यानी कि लड़का है। इसके बाद नेक्स्ट है 19 जनवरी 2018 को अमेरिका ने खाद्य सहायता के लिए किस देश को दी जाने वाली $45 मिलियन की मदद पर रोक लगा दी है। $45 मिलियन की मदद पर रोक लगा दी है। वह दोस्तों दी जाने वाली थी फिलीपींस देश को। किसको? फिलीपींस देश को दी जाने वाली थी। इसके बाद नेक्स्ट है 19 जनवरी 2018 को किस देश में गोताखोरों ने एक समूह में विश्व की सबसे लंबी जल सुरंग की खोज की है। विश्व की सबसे लंबी जल सुरंग की खोज की है भाई दोस्तों मैक्सिको देश के गोताखोर थे। किसके? मैक्सिको। इसके बाद नेक्स्ट है 19 जनवरी 2018 को चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के कितने विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। दोस्तों कितने? 20 विधायकों की सेवा रद्द करने की सिफारिश की है। इसके बाद नेक्स्ट 19 जनवरी 2018 को भारत ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में कौन से भागीदार के रूप में शामिल हुआ। भारत ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में कौन से भागीदार के रूप में शामिल हुआ, तो वह 43वां देश बना। इसके बाद नेक्स्ट 19 जनवरी 2018 को मध्य प्रदेश की 27वीं राज्यपाल को किसे चयन किया गया। 27वां राज्यपाल कौन बना है, तो दोस्तों वह है आनंदीबेन पटेल बनी है 27वीं राज्यपाल मध्य प्रदेश की। इसके बाद नेक्स्ट 19 जनवरी 2018 को आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप एस पुरी ने कितने शहरों में रहन सहन सूचकांक कार्यक्रम को शुभारंभ करने की घोषणा की है। का शुभारंभ करने की घोषणा की है दोस्तों, यह 116 शहरों में यह शुभारंभ होगा। कितने? 116 शहरों में। इसके बाद नेक्स्ट है 20 जनवरी 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाले कितनी महिलाओं को सम्मानित किया है। कितनी महिलाओं को दोस्तों? यह 112 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है 20 जनवरी 2018 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए जारी समावेशी विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है। दोस्तों यह 62वें नंबर पर रहा। कितने? 62वें, और सबसे ऊपर ऐसा शीर्ष पर है नॉर्वे देश। इसके बाद नेक्स्ट 20 जनवरी 2018 को फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड के लिए किस फिल्म को चयनित किया गया है। किस फिल्म को चयनित किया गया दोस्तों? फिल्म का नाम है हिंदी मीडियम फिल्म। इसके बाद नेक्स्ट है 20 जनवरी 2018 को फिल्म फेयर अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर तथा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हेतु किसका चयन किया गया। दोस्तों बेस्ट एक्टर इमरान खान, जिन्होंने हिंदी मीडियम में किरदार किया, और विद्या बालन, जिन्होंने तुम्हारी सुलू में किरदार किया, के लिए यह चयन किए गए। इसके बाद नेक्स्ट 21 जनवरी 2018 को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? है ओम प्रकाश रावत को नियुक्त किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट 22 जनवरी 2018 को भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में जलापूर्ति सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य के लिए? तो दोस्तों यह राज्य उत्तराखंड के लिए किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट 22 जनवरी 2018 को किसने विक्रम सारा स्पेस सेंटर में निर्देशक पद पर कार्यभार संभाला है। निर्देशक यानी कि विक्रम सारा भाई सेंटर के निर्देशक के रूप में एस सोमनाथ ने अपना पदभार नियुक्त किए गए हैं। एस सोमनाथ नियुक्त किए गए हैं निर्देशक के पद पर।
इसके बाद नेक्स्ट, 22 जनवरी 2018 को कचरा मुक्त शहर के लिए शहरी स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शहरी स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो कार्यक्रम का नाम है स्मार्ट स्टार रेंडिंग रेटिंग, स्मार्ट स्टार रेटिंग नाम है उस कार्यक्रम का। इसके बाद नेक्स्ट, 23 जनवरी 2018 को झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वित्त वर्ष 2018-19 के वार्षिक बजट के तहत कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। दोस्तों यह 80,200 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। कितने? 80,200 का बजट पेश किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला है 23 जनवरी 2018 को झारखंड के वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बजट में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के लिए कितने रुपए का प्रस्ताव किया गया। दोस्तों यह क्रमशः है 62,744 है 44 करोड़, जो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय है 17,455 करोड़ रुपए। इसके बाद नेक्स्ट है, 23 जनवरी 2018 को भारतीय रेल द्वारा जून 2018 में भारत की अब तक सबसे तेज चलने वाली किस ट्रेन को आरंभ किए जाने की घोषणा की गई है। उस ट्रेन का नाम है ट्रेन 18 या ट्रेन 18। इसके बाद नेक्स्ट, 23 जनवरी 2018 को किस प्रदेश के हाई कोर्ट ने दलित शब्द इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए हैं। दलित शब्द इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए हैं या रोक लगा दी है, तो वह है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने है रोक लगाई है। इसके बाद नेक्स्ट है, 23 जनवरी 2018 को भारत के नए चुनाव आयुक्त का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो उनका नाम है अशोक लावासा। अशोक लावासा ने यह किया है। किसने? अशोक लावासा ने। इसके बाद नेक्स्ट है, 24 जनवरी 2018 को नई घोषणा के अनुसार महिला T20 विश्व कप 2018 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। दोस्त देश वेस्ट इंडीज करेगा T20 विश्व कप महिला वालों का। महिला T20 विश्व कप की मेजबानी वेस्ट इंडीज करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, 24 जनवरी 2018 को जारी वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा, तो दोस्तों भारत का नंबर है 177वें स्थान पर, 177वें स्थान पर भारत रहा और प्रथम स्थान हासिल करने वाला देश है स्विट्जरलैंड। इसके बाद नेक्स्ट है, 24 जनवरी 2018 को पूरे देश में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को पूरा देश में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, दोस्तों है 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, 24 जनवरी 2018 को किस देश की सरकार ने फेक न्यूज की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए नई राष्ट्रीय सुरक्षा संवाद इकाई बनाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा संवाद इकाई बनाई है दोस्तों, यह देश का नाम है ब्रिटेन। देश सरकार ने बनाई है, ब्रिटेन सरकार ने बनाई है। इसके बाद नेक्स्ट है, 24 जनवरी 2018 को संपूर्ण भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसके बाद नेक्स्ट, 25 जनवरी 2018 को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी किस देश दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 25 जनवरी मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2017 प्रदान किए जाने को मंजूरी दी है। दोस्तों 44 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जाएगा या पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2018 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 7.4 रहने का अनुमान है। दोस्तों 25 जनवरी को यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, यह पहले ही अपन डिस्कस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट है,
26 जनवरी को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह ने जरूरतमंद को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना का नाम है महात्मा गांधी सर्वत विकास योजना, महात्मा गांधी सर्वत विकास योजना। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस योजना को विस्तार देने के लिए लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंकों को जोड़ा है? लघु बैंक और भुगतान बैंकों को जोड़ा है, तो यह अटल पेंशन योजना का विस्तार के लिए यह किया गया। ये दोस्तों अगला है, पूरे देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि 26 जनवरी पूरे देश में मनाया गया था, 69वां गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों 26 जनवरी मुख्य अतिथि थे 10 एशियन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी कि एशियन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि प्रमुख आए थे भारत में। इसके बाद नेक्स्ट है, 27 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 के लिए कितने श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? दोस्तों है 50 श्रमिकों के लिए की गई है, पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, 28 जनवरी को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 के खिताबी मुकाबले में किसने अपने कैरियर का 20वां ग्रैंड स्लैम जीता है? तो यह दोस्तों स्विट्जरलैंड के रोजर फेडर ने क्रोशिया के मारिस सिलिचिन को हराकर यह खिताब जीता है। किसने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडर ने क्रोशिया के मारिन सिलिच को हरा कर यह खिताब जीता है, अपने 20वां ग्रैंड स्लैम यह जीता है इन्होंने। इसके बाद नेक्स्ट, 28 जनवरी को आईपीएल अनुबंध पाने वाले पहले नेपाली खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों है संदीप लमिछाने बने हैं, संदीप लमिछाने है। दोस्तों दिल्ली डेयर डेविल्स ने खरीदा था इन्होंने। इसके बाद नेक्स्ट है, 28 जनवरी 2018 को आईपीएल 2018 का 11वां संस्करण के लिए सबसे महंगे विदेशी तथा भारतीय खिलाड़ी कौन बने थे? दोस्तों सबसे महंगे खिलाड़ी थे बेन स्ट्रॉन्ग, जो कि इंग्लैंड के थे। इन्हें 12.5 करोड़ रुपया में खरीदा गया था, और जयदेव उनादकट इनको 11.5 करोड़ में खरीदा था, 11.5 करोड़ रुपया में जयदेव उनादकट को। इसके बाद नेक्स्ट है, 29 जनवरी 2018 को प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार वर्ष 17-18 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? दोस्तों यह 6.75% रहने का अनुपात है, 6.75% रहने का अनुमान है। इसके बाद नेक्स्ट है, 29 जनवरी 2018 को किन दो देशों की सेनाओं ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहला संयुक्त सेना अभ्यास किया है? दोस्तों भारत और वियतनाम की सेनाओं ने किया है यह अभ्यास। इसके बाद नेक्स्ट है, 29 जनवरी को संपूर्ण विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 जनवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों यह विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, 29 जनवरी 2018 को किन 5 सांसदों को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 29 जनवरी 2018 को किन 5 सांसदों को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों यह क्रमशः नजमा हिमायतुल्ला को किया गया, इसको वर्ष 2013 का किया गया नजमा हिमायतुल्ला को, हुकम देव नारायण को किया गया 2014 का, गुलाम नबी आज़ाद को किया गया वर्ष 2015 का, और दिनेश त्रिवेदी को किया गया 2016 का, और वृत हरीश महताब को किया गया 2017 का, यह याद रखिएगा आप। इसके बाद नेक्स्ट है, 30 जनवरी 2018 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई अड्डों के विकास और उन्नयन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? कितने करोड़ रुपए का? तो यह 3400 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, 3400 करोड़ रुपए का। इसके बाद नेक्स्ट है, 30 जनवरी 2018 को न्यू वर्ल्ड
वेल्थ न्यू वर्ल्ड वेल्थ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का छठा सबसे अमीर देश कौन सा है? विश्व का छठा सबसे अमीर देश है भारत देश। इसके बाद नेक्स्ट है, 30 जनवरी 2018 को भारत सरकार ने किस तकनीकी का परीक्षण किया जिसमें 1 सेकंड में 10 GB डाटा ट्रांसफर संभव है? तो दोस्तों यह लाईफाई के द्वारा संभव है। इसके बाद नेक्स्ट है, किस मौजूदा लोकसभा संसद का निधन हो गया है, यानी किस सांसद का निधन हुआ? तो संभव है चिंतामन बंगा, इनका निधन हो गया जो कि वर्तमान में सांसद थे। इसके बाद नेक्स्ट है, 30 जनवरी 2018 को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 जनवरी मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में। दोस्तों 30 जनवरी को की गई घोषणा के अनुसार यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड 2018 को किसे चुना गया? तो दोस्तों यह आशा भोसले को चुना गया है। किसे? आशा भोसले को यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, 31 जनवरी 2018 को स्कॉर्पिन क्लास की तीसरी किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो उस पनडुब्बी का नाम है कनरंज है, इसका नाम है कनरंज। इसके बाद नेक्स्ट, 31 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो दोस्तों यह दिल्ली से किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, 31 जनवरी 2018 को आरंभ खेलो इंडिया स्कूल गेम में किसने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों यह उत्तराखंड के अनु कुमार ने पहला पदक जीता है। दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।